आरपीएन सिंह के भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस ने अविनाश पांडे को झारखंड कांग्रेस का नया प्रभारी नियुक्त किया है, जिसके बाद आज प्रदेश प्रभारी के रूप में उनका झारखंड में पहला आगमन था। उनके साथ सह प्रभारी उमंग सिंघार भी आए, जिनका रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कांग्रेसियों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद राजधानी रांची के बोड़ियो स्थित गीतांजलि हॉल में शनिवार को प्रदेश के विधायक एमपी विधायक जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। इससे पहले उन्होंने मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों की बात को ध्यान से सुना। इस मौके पर पोड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव ने भी अपनी बात को रखा। आपसे जल्दी मैं केवल दो शब्द कहना चाहूंगा कि जब पार्टी सरकार में रहती है तो सरकार के कामों से पार्टी निखरता है। पहली चुनौती हमारे सामने यह है और दूसरी चुनौती तो 2024 हमारे सामने है। दो चुनौतियां हैं हमारे सामने, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि सरकार कोरोना काल से आज तक बेहतर काम किया है। कोरोना काल में तो झारखंड सरकार ने इतना बेहतर काम किया जिसकी तारीफ सभी प्रदेशों ने किया। उसके बाद भी कई कामों कामों को मैं गिनाना नहीं चाहता, चाहे वो कृषि ऋण माफी किसान की हो, बिजली बिल की माफी हो, सूद की माफी हो, और अभी जो सरकार ने काम चलाया, सरकार आपके द्वार, हमें लगता है कि मेरे सक्रिय राजनीति के 30 वर्ष जीवन के रहे हैं, उन 30 वर्षों में हमने इतना बेहतर कार्यक्रम सीधा जनता से जुड़ा हुआ आज तक नहीं देखा, जो इस कार्यक्रम से सरकार को फायदा हुआ है वो काबिल तारीफ है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, लेकिन प्रश्न ये है कि जो सच भी है और समझना भी है हमें कि जहां भी गठबंधन की सरकारें रहती है, जो पार्टियां सरकार को लीड करती है, जनता के बीच उसका बेहतर संदेश जाता है, उसका अच्छा आगे संदेश जाता है, हम थोड़े पीछे पड़ जाते हैं। हम भी बराबरी का कैसे अपनी हिस्सेदारी जनता के बीच पहुंचा सके, ये हमारे पास चुनौती है। ये फालतू बातें हैं, इन बातों पर मेरा थोड़ा भी विश्वास नहीं है। तो ये कैसे हम बराबरी की अपनी पहचान की, कांग्रेस भी बराबरी से इस निर्णय में काम कर रहे, कोरोना के काल में हमारे मंत्री ने इतना बेहतर काम किया, बिना डरे हमारे मंत्री अस्पतालों तक पहुंचते थे। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को सुनने के बाद उपस्थित कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, यहां के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को धूल चटाने का काम किया गया था, यह जोश बरकरार रहे और यही जोश मिशन 2022 में रंग लाएगा। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का झारखंड के पुराना लगाव रहा है, झारखंड के डीएनए में कांग्रेस का विचारधारा है। उन्होंने झारखंड के महागठबंधन की सरकार के युवा मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा, गठबंधन सरकार की कई चुनौतियां भी होती हैं, कई समझौते भी करने होते हैं, परंतु कांग्रेस नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकता। यहाँ के लोगों ने आजादी के संग्राम में भाग लिया था, गठबंधन की सरकार में कई तरह के समझौते करने पड़े हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का सम्मान और उनकी आकांक्षाओं के साथ कभी नहीं समझौता किया जा सकता। क्या आप 10 से 20 हजार रुपए महीना अपने घर पर रहकर कमाना चाहते हैं? तो खोलें मिनी बैंक, अपने एरिया के लोगों को दे बैंकिंग सर्विस, सभी बैंकों का आधार कार्ड से निकासी, एटीएम से निकासी, सभी कंपनियों के मोबाइल, डीटीएच, रिचार्ज, पैन कार्ड जैसे अनेकों सर्विस। सीएसपी आईडी के लिए कॉल करें 7726006565 पर।